जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो टुडे वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। नाउ फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MTP। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम वायबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। सो इट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकली रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको हम एबॉर्शन भी बोलते हैं। ओके, दैट इज़ नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, एंड दिस इज़ डन बिफोर द फिटस बिकम वायबल। फिटस जो है डिस्टिंक्ट हो जाता है, उससे पहले ही ये होती है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज्ड भी कर दिया है इन 1971, सून आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन दैट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1951 में आया था। तो आफ्टर 20 ईयर्स, इन 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लीगलाइज्ड MTP। ठीक है, इसको लीगल कर दिया है। पर अब ये बात यहाँ है, थोड़ा सा सोशल आस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जो MTP, इट इज़ अ वेरी मीन्स ये जो इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के थ्रू, इसको लीगल किया गया, पर जिस कॉज के लिए लीगल किया गया इसको, वो कॉज फुलफ़िल नहीं हुआ, बल्कि इसको लोगों ने बहुत गलत कामों के लिए यूज़ किया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, MTP को, इसका गलत यूज़ किया पूरे तरीके से। ठीक है, जिस कॉज के लिए इसको यूज़ किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कॉज ना होके इसको इलीगली तरीके से सेक्स को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किया गया, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाए। ओके, सो ये थिंकिंग है इन इंडिया, आई विल टॉक, इंडिया में इसको इस तरह लिया गया। ओके, बट इसका जो मेन पर्पस था इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो बहुत अच्छा था। मींस क्या होता है कभी कभी कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट प्रेगनेंसी। ओके, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पीरियड, पीरियड क्या होता है, कब इसको किया जाता है। ओके, MTP इज़ कंपेरेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, हमने ट्राइमेस्टर की बात की थी जो 3-3 मंथ्स के होते हैं। एज़ यू ऑल नो कि ह्यूमन बीइंग्स में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। इट मीन्स 3-3 मंथ्स के कितने ट्राइमेस्टर होंगे, 3 होते हैं ट्राइमेस्टर। ओके, सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स अगर हम बोलें, या फिर हम इसको 12 वीक्स भी बोल सकते हैं, तो ये MTP उस समय करना, इट इज़ सेफ। ठीक है, सेफ़ होता है उस समय, कोई भी प्रॉब्लम मदर को नहीं होती है। ओके, इट इज़ सेफ़, और फिट जो बेबी है उसको तो होगी नहीं, क्योंकि बेबी तो आप चाहते ही नहीं हो। ठीक है, बेबी को तो हमें टर्मिनेट करना है। सो अगर हम मदर की यहाँ पे बात करें तो इट इज़ टोटली सेफ फॉर द मदर, बट इट बिकम्स मोर रिस्की आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एज द फिटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद मैटर्नल टिश्यू। बट एज द टाइम प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो विलाय बनाता है, जिसको कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। इफ़ यू रिमेम्बर, जब हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था। अब उसके बाद ये जो विलाय होता है, ये यूट्रस, यूट्राइन टिश्यू के साथ बहुत इंटर डिजिटेटेड हो जाता है, बिल्कुल मिल जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ये जो है, ये कनेक्शन जो है, ये टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। तो इफ़ यू विल इंक्रीज द टाइम पीरियड, देन व्हाट विल हैपन, जो फिटस होता है और जो यूट्रस होता है, या हम कह सकते हैं मैटर्नल टिश्यूज़ होते हैं, उन दोनों में कनेक्शन जो है, उन दोनों में कनेक्शन जो है वो और क्लोज होता जाता है, और आप कह सकते हो कि और अच्छे से कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर रिमूव करना, इट इज़ रिस्की। इसमें खतरा रहता है कि
मदर को. ओके सो सो रिमूविंग प्रेगनेंसी आफ्टर दिस ट्राइमेस्टर इट इज़ अ लिटिल बिट रिस्की. नाउ इंसिडेंट की बात करते हैं. ओके नाउ अबाउट 45 टू 50 मिलियन एमटीपी डन इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अगर हम पूरी पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी होते हैं इन अ ईयर, और ये जो है टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 नंबर है. ओके सो 1/5 जो है ऐसे ही पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में भी एमटीपी हेल्प करता है. ओके सो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ईयर. ओके इतनी रिमूव हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. ओके अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जो एमटीपी होता है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट फॉर अ नॉलेज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू. अगर टाइप्स की बात करें तो दो तरह के एमटीपीज होते हैं, दैट इज़ इन स्पॉन्टेनियस एंड थेरापिटिक. नाउ स्पॉन्टेनियस एज द नेम सजेस्ट तुरंत होना, तुरंत. सो ये जो इस तरह के एमटीपीज होते हैं ये प्रोबेबली जो है आपका विद इन 4 वीक्स हो जाते हैं, मींस एक महीने के अंदर ही टर्मिनेट करा दिया जाता है. ओके आप कह सकते हो 1/3 ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो स्पॉन्टेनियस एमटीपी के थ्रू वो टर्मिनेट अबॉर्ट करा दी जाती हैं, और जिसको हमने नाम दिया है स्पॉन्टेनियस एमटीपी. ठीक है, विद इन 1 मंथ. ठीक है, 1 मंथ के अंदर ही उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है. थेरेपेटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है इट कैन बी लीगली टर्मिनेटेड इन इट्स अर्ली स्टेजेस. अर्ली स्टेजेस में लीगली मींस आफ्टर टेकिंग द परमिशन ओनली इट इज़ टर्मिनेटेड इफ डॉक्टर एडवाइज दैट इट्स कंटिन्यूएशन विद वुड सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ मदर. अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है बच्चे में, कुछ सिंड्रोम्स हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, देन इन केस इन दैट केस जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि इट शुड बी रिमूव्ड, और वो फिर ये प्रोसेस जो है बिल्कुल लीगली तरीके से होता है. ओके बिकॉज इफ इट इज़ कंटिन्यूड, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इट वुड हैव सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ मदर. मदर की हेल्थ को इससे डैमेज भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है. ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं, व्हाई एमटीपी, एमटीपी की क्यों जाती है, व्हाट इज़ द नीड टू डू एमटीपी. ओके सो ज़रूरत क्या है एमटीपी करने की, वी शुड बी अवेयर, वी शुड बी कॉन्शियस इनफ. सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स. ठीक है, फर्स्ट रीज़न इज़ कैजुअली जो अनप्रोटेक्ट जो भी अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स होते हैं, सो उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है. दो द कपल दे डू नॉट वांट द बेबी. ठीक है, बट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स द प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश और फिर उसको टर्मिनेट करा दिया जाता है. ओके और क्या हो सकता है, नॉट यूजिंग कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइसेस ड्यूरिंग क्वाइटस और कॉपुलेशन. कि इफ़ यू इफ़ द कपल इज़ नॉट यूजिंग कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस, ओके देन एंड इफ़ द प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश एंड दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, देन ऑल्सो इट इज़ टर्मिनेटेड. इफ़ प्रेगनेंसी इज फैटल और हार्मफुल द मदर और टू द फीटस. नाउ द थर्ड केस इज कि अगर प्रेगनेंसी जो हुई है वो फैटल है, वो डेंजरस है, जिस जो कि रिस्की भी है, और किसके लिए, मदर के लिए या फिटस के लिए, दोनों के लिए. हो सकता है फिटस जो है उसका भी डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो सुनने में आता है फिटस की ग्रोथ नहीं हुई. ठीक है, और या तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको टर्मिनेट करा दिया जाता है इफ़ द कंडीशंस आर लाइक सच. ओके नाउ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. ठीक है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर बोथ चाइल्ड एंड मदर. सो अनवांटेड प्रेगनेंसीज से छुटकारा पाना पहली बात तो, इसलिए ये इसका एक मेन सिग्निफिकेंस है. दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, एक तरह से ये ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर आप देखें इनडायरेक्टली, ये उसको भी डिक्रीज कर रहा है. बिकॉज जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो इफ़ इट विल नॉट
it will not continued, तो it will definitely it will decrease the population, मतलब population की जो rate है बढ़ने की वो कम हो जाएगी. Okay, so this is also you can say कि it plays a significant role indirectly in that also. Okay, but MTP is not a good thing, ये करना is not appreciated. ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रॉबैक्स की बात करें हम, तो ड्रॉबैक्स जो हैं उसके MTPs के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. अगर हम बात करें तो पहली बात तो इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड टू अबॉर्ट इवन द नॉर्मल फीमेल फिटसेस. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ठीक है, जो सोशल आस्पेक्ट्स हैं इसके, या बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, थिंकिंग के, जिनको कि फीमेल चाइल्ड चाहिए ही नहीं. ठीक है, अब उस केस में क्या होता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है, ओके, वो उसको डिटेक्ट कराते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू इलीगल मेथड्स, और अगर फीमेल चाइल्ड है उनको पता चल जाए तो उसको फिर वो अबॉर्ट करा देते हैं. ठीक है, टर्मिनेट करा देते हैं. ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. ओके, इफ़ दैट चाइल्ड इज़ नॉर्मल देन टू दिस इज़ डन, एंड दिस इज़ डन इन मैनी स्टेट्स. ठीक है, I don't want to name the states जहाँ पे ये होता है. Okay, so now the second is majority of MTPs performed illegally by unqualified quacks which may be fatal. Now, अब जो बात करते हैं जो illegal, जो अभी मैंने बात की कि बहुत सारे जो MTPs होते हैं illegal तरीके से छुपा के किया जाता है, because it is a offense. ये एक offense है. अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हो, अगर क्योंकि पहली बात तो सेक्स पता करना ही ऑफेंस है. ओके, एंड उसके बाद उसको पता करके अबॉर्ट कराना उससे भी बड़ा ऑफेंस है. तो अगर इसलिए लोग जो भी इस ये करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों से छुपा के या इन सब चीज़ों को बहुत ही चुपचाप ये काम करते हैं. ओके, सो और इनको जो करने वाले भी होते हैं दे आर अनक्वालिफाइड ग्रुप्स ऑफ होते हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या नर्सेज, या वो डॉक्टर होते भी नहीं हैं इन सम केसेस तो. ओके, और ये कभी कभी फैटल भी हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट प्रोफेशनलिस्ट, तो सम टाइम इट प्रूव फैटल टू बोथ द मदर एंड चाइल्ड. ठीक है, मदर की कभी कभी इसमें जान भी चली जाती है, डेथ भी हो जाती है. इन दिस वे इट प्रूव्स फैटल. नाउ इट हैज़ रेज्ड मैनी इमोशनल, एथिकल एंड सोशल इशूज. ओके, इसी के ड्यू टू दिस ये कॉन्ट्रोवर्सी, ये बहुत सारे इससे इश्यूज़ भी रहते हैं, फैमिली में इश्यूज़ रहते हैं. ठीक है, रिलेटिव्स जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं, इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं कि दे डू नॉट वांट मेल फीमेल चाइल्ड. अगर एक हो गया है फीमेल तो ये दूसरा नहीं चाहते हैं. ओके, तो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए. ओके, इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द नीड ऑफ दिस. फर्स्ट थिंग इज़ दैट की टू प्रोवाइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये भी इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ मदर. ठीक है, अबॉर्ट कराना, टर्मिनेट कराना, उससे मदर की ही हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट MTP. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द MTP, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट वर द गुड साइड ऑफ MTP, व्हाई इट इज़ डन. ओके, सो ये सबको समझ में आ गया होगा कि किस लिए ये किया, लीगली इसको लीगल किया गया और किस तरह इसका इलीगली तरीके से इसका यूज़ किया गया. ओके, सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू एवरीबॉडी.